इंडिया में सेक्स एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए हम जैसे लोगों को इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात करके लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे ही आपके ज़िंदगी में बहुत सारे सेक्स मिथ होंगे जिसको आज मैं क्लियर करने वाली हूँ, फैक्ट्स की बात करेंगे। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, लेट्स गेट स्टार्ट। मिथ नंबर वन, टू मच मास्टरबेशन इज गुड और बैड फॉर योर हेल्थ। एक लाइन में इस सवाल का जवाब दूं तो नो, एंड इट्स हेल्दी एंड नेचुरल। मास्टरबेशन आप करो ना करो आपके ऊपर है, ये ह्यूमन नेचर है, होता है और हर कोई करता है। बस इस बात का ध्यान रखो कि मास्टरबेशन के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई को मिस ना कर दो, आप अपने स्कूल कॉलेज ऑफिस की लाइफ को इंटरप्ट ना करो। मतलब ये ना हो कि आप मास्टरबेशन में इतने मग्न हो गए हो कि पर्सनल लाइफ की और जो चीजें हैं उसको छोड़ रहे हो, भूल रहे हो और उनमें इंटरप्शन आ रहा है, इस बात का ध्यान रखो। और मास्टरबेशन करना ह्यूमन नेचर है, चाहे मेल हो या फीमेल। मिथ नंबर टू, टू कॉन्डम्स आर बेटर देन वन। कुछ लोग सोचते हैं कि सेफ्टी दुगनी होगी तो दुगनी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड होगी, लेकिन कॉन्डम के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप दो कॉन्डम यूज करते हो तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकेज हो सकता है और आपका कॉन्डम फट सकता है। एंड देन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करोगे तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और सेक्सुअल डिजीजेस भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसीलिए एक कॉन्डम एक बार यूज कीजिए एंड नेक्स्ट के लिए न्यू यूज कीजिए, लेकिन एक बार में दो यूज करना बिल्कुल सही नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पीरियड्स आ गए तो अब आप प्रेग्नेंट नहीं होगे, 6 दिन के लिए आप सेक्स कर सकते हो और प्रेग्नेंट होने का डर भी नहीं रहेगा। गाइस अगर फैक्ट की बात करें तो स्पर्म विमेन की बॉडी में कम से कम 5 से 7 दिन तक भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि ओवुलेशन का कोई ठिकाना नहीं रहता, वो हर विमेन में अलग डेट को अलग समय होता है। जनरली कहते हैं कि पीरियड के 14वें 12वें दिन से होना स्टार्ट होता है, लेकिन ये कंपल्सरी भी नहीं है, हर किसी की बॉडी अलग होती है। तो हो सकता है आपका ओवुलेशन हो जाए उस टाइम, हो सकता है स्पर्म आपकी बॉडी में उस टाइम मौजूद हो तब आप प्रेग्नेंट हो जाए, ऐसा हो सकता है। 100% सेफ नहीं है ये, वैसे ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं लेकिन होते तो हैं। इसीलिए If you don't want to get pregnant, use condom. व्यायाम आयुर्वेदा का रोज वाटर टोनर जो कि हाइड्रेटिंग है, और सूदिंग टोनर लेवेंडर वाटर जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इस पे 15% ऑफ चल रहा है। तो ये दो ऑप्शंस मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि टोनिंग करना आपकी स्किन केयर रिजीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके फेस पे एक अलग सा चमक लेकर के आता है और ये 100% नेचुरल है, डल स्किन को दूर करता है, इसका विजिबल पोर्स को हाइड करता है, हर स्किन टाइप के लिए है, 100% प्योर, एल्कोहल फ्री, क्रुएल्टी फ्री, नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, नॉन GMO, पैराबेन फ्री और सिंथेटिक फ्री भी है। तो आपके स्किन के pH को बैलेंस करता है, मिनिमाइज करता है, पोर्स को फ्रेश करता है स्किन को, और साथ ही साथ में आपको टर्मरिक ब्राइटनिंग सीरम भी दिखा रही हूँ जो कि अगेन 93% नेचुरल है। ये अनइवन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है, क्रुएल्टी फ्री, पैराबेन फ्री है, इसके अंदर टर्मरिक है। इवन आप इसको अपने हेयर ऑयल में भी इसकी कुछ बूंदी डाल करके यूज कर सकते हो, और स्किन पे यूज करोगे तो इवन करेगा, आपके स्किन टोन को ग्लोइंग बनाता है, लाइटन करता है डार्क स्पॉट्स को, स्किन ब्राइटनिंग और स्किन लाइटनिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। सो जरा सा टोनर आप फेस पे लगाइए, उसके बाद जरा सा सीरम फेस पे लगाइए एंड दैट्स इट। और इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, 10% ऑफ आपको मिलेगा, कूपन कोड यूज करते हो तो गेट 100। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड चेक दीज प्रोडक्ट्स। वर्ड कॉन्डम, इसके बारे में बहुत सारे मिथ होते हैं कि आखिर ये है क्यों, क्यों होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या ये सेफ है नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, फ्लेवर्ड कॉन्डम जितने भी एड्स वगैरह में आप देखते होंगे, जितने भी फ्लेवर में आते हैं, यू कैन यूज बट नॉट फॉर योर वजाइनल सेक्स, वो सिर्फ ओरल सेक्स के लिए होता है। वजाइनल सेक्स के लिए आपको नॉन फ्लेवर्ड कॉन्डम ही यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फ्लेवर्ड कॉन्डम वजाइना में यूज किया तो आपको ईस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ भी एलर्जी वगैरह हो सकती है, वो वहां के लिए नहीं होता है। अगर आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की है, चाहे वो हो वजाइनल, एनल, किसी भी तरीके का हो, तो आपको HIV हो सकता है। प्लस ब्लड इन्फ्यूजन से या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर यूज किया हुआ नीडल भी आपको हो सकता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू आपको HIV ना हो, इसलिए आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
बिगर पीनस इज बेटर। ऐसा लोगों को लगता है कि चीज जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा बेटर होगा, अच्छा होगा, कंफर्ट होगा या फिर सेक्स उनका बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो आपको प्लेजर तभी मिलता है अगर आप कंफर्टेबल फील हो। गाइस, इट कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइज। व्हाट रियली मेक्स सेक्स बेटर इज कंपैटिबिलिटी विद पार्टनर एंड ओपन कम्युनिकेशन। क्या अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंफर्ट जोन, अगर कोई नर्वस रहे, बहुत ज्यादा फोर्सफुली किया जाए तो इट्स नॉट बेटर। आपका कितना भी स्मॉल हो या बिग हो, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाउ मच लव, केयर, प्रिकॉशन, कम्युनिकेशन एंड यूजिंग कॉन्डोम मेक्स योर सेक्स मोर कंफर्टेबल। सेक्स इज पेनफुल बहुत लोगों का मिथ होता है, बट फैक्ट्स की बात करें तो सेक्स इज नॉट पेनफुल। इफ यू आर डूइंग सेक्स, इट शुड मेक यू फील गुड, गुड अबाउट यू, गुड अबाउट योर पार्टनर, गुड अबाउट योर बॉडी। और ये तभी हो सकता है जब वो फोर्सफुली ना हो, आप नर्वस ना हो, और अगर पेन जैसा थोड़ा बहुत लग भी रहा है तो यू कैन यूज लुब्रिकेंट्स डॉक्टर के एडवाइस के बाद। चाहे आपका फर्स्ट टाइम हो, लास्ट टाइम हो, कोई सा भी टाइम हो, बहुत ज्यादा पेन आपको हो रहा है, हद से ज्यादा पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको कोई एलर्जी हो, इन्फेक्शन हो, या फिर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो। थोड़ा बहुत पेन इट्स ओके, बट अगर हद से ज्यादा हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो और आप सेक्स कर ही नहीं पा रहे हो उस पेन की वजह से, यू शुड विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट। Now, last myth is about curved penis. बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि अगर पीनस कर्व्ड है तो ये प्रॉब्लम की बात है, बट फैक्ट की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत नेचुरल है और नॉर्मल है। बेंट पे अगर आपका पीनस बहुत ज्यादा बेंड हो जाता है और सेक्सुअल एक्टिविटीज करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सो यू शुड विजिट योर डॉक्टर, क्योंकि इसका भी ट्रीटमेंट है। So guys, ये तो थे बहुत सारे सेक्स मिथ जिसके बारे में नॉर्मली बात करने से हम सब कतराते हैं, पूछना नहीं चाहते हैं, और वेबसाइट्स पे कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसको देख करके आपको लगता है कि वही सच है। ऐसा नहीं होता है, वो सच नहीं होता है, सच्चाई तो कोसों दूर रहती है उन सब चीजों से। और सेक्स के बारे में अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं हर तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर के आती हूँ, आपके सारे मिथ को तोड़ती हूँ, फैक्ट्स शेयर करती हूँ। और बस इसी तरीके से मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके मन में कोई डाउट हो तो वो दूर हो जाए। और रेखा बी नेचुरल मेरी इंस्टा आईडी है, तो इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।